नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे गया की। गया के टिकारी अनुमंडल के रहने वाले फौजी अरविंद कुमार अपनी जमीन के समांकन के लिए पिछले 4 वर्षों से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी इसे सुलझाने में नाकामयाब दिख रहे हैं। मामला टिकारी अनुमंडल के पंचानपुर बाजार का है, जहाँ जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी के पद पर तैनात अरविंद कुमार को बिहार सरकार द्वारा प्राप्त पर्चा की जमीन का समांकन कराना है। फौजी अरविंद कुमार ने बताया कि मैं लगातार देश सेवा में जुटा हूं और इस काम के लिए हमें बेवजह अवकाश लेकर कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इधर पूछे जाने पर टिकारी अनुमंडल पदाधिकारी करिश्मा ने बताया कि इस आशय की जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, दस्तावेजों की खोजबीन कर रही हूँ, जांच उपरांत कार्यवाही करूंगी। सर, मेरा जमीन गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए थी 2015 में, और मैं इसके लिए सीमांकन के लिए 4 साल से ब्लॉक अनुमंडल के चक्कर लगा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। और हम लोक अदालत में गए, लोक अदालत में भी अमीन का अभी अमीन नहीं है बोल के इसका हवाला देकर वो भी टालमटोल हुआ, ऐसे घुमाते रहे हैं। अब हम अधिकारी से यही चाहते हैं कि हमारा, हम एक फौजी आदमी हैं, जम्मू कश्मीर बारामूला में पोस्टेड हैं, और हम यही चाहते हैं कि अगर हम जो छुट्टी मिले, हम इसी चक्कर में पूरा हमारा समय बेकार हो जाता है, ना अपना परिवार के साथ टाइम दे पा रहे हैं। हम गवर्नमेंट और अधिकारी से यही चाहते हैं कि हमारा न्याय हो और हमारा सीमांकन कराया जाए जमीन का। कितनी जमीन है? 27 डिसमिल है। कागज वगैरह सब कुछ? सब कागज पूरा अप टू डेट है सर। तो आप चाहते हैं क्या, इसमें क्या होना चाहिए? हम गवर्नमेंट से और अधिकारी से यही चाहते हैं कि हमारा सीमांकन हो, और हम एक फौजी आदमी होकर हम ऐसे देश की सेवा करते हैं, जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, और 3-3 फुट बर्फ में हम ड्यूटी देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा न्याय हो, हमारे साथ न्याय हो। इसमें का एक मामला है, फौजी हमका कहना है कि जमीन जो है बंदोबस्ती के तहत हमें मिली थी, लेकिन उस पर बगल के लोग एक्शन कर रहे हैं और 4 साल से वो लगातार विवाद का चक्कर काट रहे हैं। हाँ, इस तरह का मामला संज्ञान में आया है, और इस पर जानकारी हुई तो हमने दोनों पक्षकार को भी, और ऐसा ADM साहब का आदेश भी था कि दोनों पक्ष को सुन करके मामले का, चूँकि हमारे क्षेत्राधिकार में है, और ये आदमी आवेदन भी दिए थे हम लोग के सामने, तो हम लोगों ने दोनों पक्ष को समय दे करके कल या परसों संभवतः 12 बजे बुलाया था। तो दोनों पक्षकार उपस्थित भी हुए हैं, अपने अपने वकील भी रखे हुए थे हम लोगों ने, तो दोनों का कागजात देखा गया है। एक आदमी का दावा है कि हमारा अगल बगल जमीन है, और हमारा वो जमीन जो है उनका खतियान में अवैध दखलकार के रूप में है, तो हम लोग उसके लिए टाइटल में कोर्ट में गए हुए हैं। दूसरे का है कि हमको पर्चा मिला हुआ है उस जमीन का, और जमीन का पर्चा किस आधार पर मिला है तो उसको हम लोगों ने मंगवा करके देखा है, इन्होंने भी अपना पर्चा दिखाया, तो रिकॉर्ड नहीं था उनके पास बंदोबस्ती का, तो यही देखा गया कि किस आधार पर उनको पर्चा मिला है, सैनिक के तौर पर मिला है या भूमिहीन के तौर पे, जो प्राथमिकता के आधार पे हम लोग को योग्य पात्र को देना है उसके आधार पर मिला, तो उसके लिए उनको कहा गया कि आप लोग जो बंदोबस्ती का कागज़ है वो हमको नकल दिखाइए। तो दोनों पक्ष को सुना गया है। अब एक इशू उसमें दखल कब्जा वाली बात आती है, तो हमने कहा था कि हम लोग इसको जाँच करवाएंगे, वास्तविक दखल कब्जा का क्या स्थिति है, लगातार दखल कब्जा में कोई है, कौन है, इनका क्या है, तो इस पर कागजी कार्रवाई कागजी तौर पर देखा गया है, लेकिन राजस्व में एक दखल जो होता है वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मुंगेर में 60 वर्षीय व्यक्ति ने बरगद पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक व्यक्ति की पहचान भागलपुर में शाहकुंड के मनिकपुर गांव निवासी के रूप में की गई है। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि व्यक्ति मानसिक रोगी है। घटना असरगंज थाना क्षेत्र के चोर गांव स्थित ढोल पहाड़ी के समीप की बताई जा रही है। बोलिए। हमरा भाज के गोय ने चोगराय जा। कहाँ घर होले अपने भाई के? बेटी के मबाई नो लिए। अच्छा। मग आज खराब हो गलो जे। मग जे खराब हो गलो जे। को जे सगर से काल गुन तो नो पपति जे लिए को जे। हां।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक प्रकरण में लालू प्रसाद की एंट्री पर बिहार बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। बता दें कि लालू प्रसाद ने अपने ट्वीट में पीएम और किसान की जान को एक समान बताकर पंजाब सरकार का बचाव किया है। लालू प्रसाद के इसी ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता ने जोरदार हमला बोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद का इतिहास फिर जीवंत हो गया है। लालू प्रसाद ने तो पशु चारा खाकर बिहार के किसानों के साथ छल किया, मगर पीएम मोदी ने तो किसानों के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए जाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कांग्रेस की सरकार ने जो सुरक्षा में चूक करा करके उनके जान से खिलवाड़ किया है, उस कांग्रेस के पक्ष में राजद ने लालू जी को उतारा है। लालू जी ने यह कहा कि किसान का जान का कीमत और प्रधानमंत्री का जान का कीमत एक होता है। हाँ, एक होता है, लेकिन आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। आप तो किसानों के पशुओं का चारा खा कर करके पशुओं को मारा और किसानों को मारने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालकों को किसानों के श्रेणी में दे करके किसी केसीसी को लागू करवाया, मत्स्य पालकों को किसानों की श्रेणी में दे करके किस केसीसी का लाभ देने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल में 6,000 रुपया दे करके किसानों को सुरक्षा प्रदान किया। वहीं सहरसा जिले के नए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आज अपने कार्यालय में पदभार संभाला। वहीं पदभार संभालने के बाद नए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मीडिया से बात की और कहा कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, मैं जिलावासियों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, और जो अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगाए हैं सभी लोग जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाएं। कि मूलभूत तीन चीजों पे इमीडिएटली ध्यान दीजिए। जहां जरूरत नहीं है वहां कम से कम घर से बाहर निकलिए, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। दूसरा, मास्क जो है अनिवार्य रूप से लगाइए। देखिए, मास्क से अगर किसी को इन्फेक्शन भी है तो आपका एटलीस्ट वायरल लोड कम हो जाएगा, अगर होगा भी तो आपके शरीर पर कम उसका हानिकारक असर पहुंचेगा। इसलिए मास्क तो अब जब तक ये थर्ड वेव समाप्त नहीं होती है तब तक आप मास्क आपके शरीर के कपड़े के जैसे एक आपका शरीर का हिस्सा हो जाना चाहिए, मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाना है। तीसरा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो अपना वैक्सीन फर्स्ट डोज जिनका बचा हुआ है, अच्छा यहाँ पे सहरसा में कार्य हुआ है, फर्स्ट डोज लगभग 83-84% को हो गया है, सेकेंड डोज भी उनमें से 79% ने लगा लिया। जो भी बचे हैं मेरा पुनः अनुरोध है उनसे कि हम लोग कैंप मोड पे इसको युद्ध स्तर लेवल पे करेंगे और आप लोग उसको वैक्सीन जो भी नहीं लगाए हैं कृपया करके आप वैक्सीन लगा लीजिए। दूसरा, बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।